थैंक यू सो मच। हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो आराधना है वो सफल हो जाए, और आज से शुरुआत हो रही है उस जर्नी की। ये हमारी बच्ची है गौरी, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्रेइंग। बरका, यू आर प्लीज कंटिन्यूइंग वेल। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। वी आर टॉकिंग अबाउट सरोगेसी, व्हिच इज टुडेज नॉर्मल, और एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बट कन्विक्शन के साथ हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। थैंक्स टू दंगल टीवी एंड थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर्स हु हैव एक्चुअली टेकन द इनिशिएटिव टू ब्रिंग सच अ बोल्ड एंड सेंसिटिव कॉन्सेप्ट इनटू द ऑडियंस। सरोगेसी के बारे में आज तक फुल फ्लेचर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आया टेलीविजन पे। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, एंड इट्स अ टुडेज नॉर्मल ऑल्सो, सेंसिटिव एट वन साइड एंड टुडेज नॉर्मल। सो वी आर ट्राइंग टू यूज द एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सरोगेसी। सुधा मैम, एक और सेंसिटिव सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि कैसा लग रहा है इस बार आप हीरो की माँ नहीं बहन का किरदार लेकर रहे हो? Older the wine, younger it gets. The better it gets. Karan, आपको कैसा लग रहा है? She is not your mother. She is not playing your mother. She is playing your sister. मेरा level up हो रहा है ना भाई। ये character में level up हो रहा है, मैं उम्र में level down हो रही हूँ। No, but it's an honor. मैंने जब मैं मुलाकात की थी तो मैंने उस time पे इन्हें कहा भी था। We were almost going to shoot something. Yes. And that time when she was on another set of mine, I wanted to work with her. I've seen her work. Like, she's fantastic. Just like everybody else. But I have a little fancy for the way she acts. And वो मुझे पहले scene में ही पता चल गया था, थोड़ा nervous भी था। But Karan के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। I saw his first ad, Shaadi.com. जीवन साथी। और उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये लड़का ऐड क्यों कर रहा है, इसको तो टेलीविजन करना चाहिए। एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट हिम। ही वाज सो गुड देन, नाउ एंड फॉरएवर। करण सर, आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ अगर आप बता सके, किस तरह का कैरेक्टर? तेरे जैसा हम चले गए, बहुत सरल सफल बहुत एकदम तेरे जैसा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने दिया। मैं कुछ कुछ ऐसा करना है जो मतलब तुझे होना चाहिए। सरोगेट मदर और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक 18 साल की लड़की जिसे शायद उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी होती, पर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे लेती है और कितनी बेहतरीन तरीके से वो निभाती है वो देखेंगे। आपने कितनी तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए, और आपका फर्स्ट शो है तो कितना आपने तैयारी की है शो के लिए? तैयारी तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर ही रही हूँ, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने सीजन्ड एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। आई हैव एवरी वन द होल कास्ट, मैंने सबका वर्क फॉलो किया है और मैं फ़ैन रही हूँ, और मेरे लिए टू बी एबल टू वर्क विद देम, मैं बहुत नर्वस भी फील करती हूँ, बट मैं सीखना चाहती हूँ उनसे काफ़ी कुछ, एंड आई वॉन्ट टू बिकम बेटर एट माई क्राफ्ट, और आई एम श्योर कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख पाऊँगी इस बारे में। बरखा मैम, आप कुछ बताना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर है और क्या अलग होने वाला है? अलग एक्चुअली, जैसे सुधा जी ने कहा, कॉन्सेप्ट ही अलग है, सोशली बहुत रेलिवेंट है। सरोगेसी भी कोई टीवी शो आई डोंट थिंक बना है, बट जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, दामिनी आई वुड से लकी वाइफ, क्योंकि बहुत ही लविंग हस्बैंड है। नॉर्मली एक औरत जो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उस पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं, उसको बहुत सी चीज़ें सुनाई जाती हैं, मांझ बोला जाता है, बट दामिनी का एक पति है जिसके लिए मतलब पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ दामिनी माधव, जहाँ पर
बच्चा नहीं होने के बावजूद वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है. एंड ऑफकोर्स थ्रू आर शो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नेचुरल बर्थ इज नॉट दी ओनली वे टू हैव अ चाइल्ड. साइंस अब इतनी तरक्की कर चुका है और हम चाहे बात ना करें इसके बारे में ज़्यादा, बट इट इज वेरी नॉर्मल टूडे. सो यस, दामिनी इज अ वेरी वेरी सिंपल कैरेक्टर. बस वो अपने हस्बैंड की के साथ आसपास ही रहती है, वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है. सो या ये थोड़ा ऐसा कैरेक्टर है जो हालात से मारा हुआ है और जो भी करता है उसमें उसकी हारी हो जाती है, कभी जीतता नहीं है. इस वजह से थोड़ा सा ये नशा करने का, जो मैं नहीं करता आम लाइफ में और किसी को करना भी नहीं चाहिए. तो ये बस मेरा कैरेक्टर है, बाकी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. भाभी से आगे करूंगा, अभी बड़े भाई से करता हूँ फिलहाल. अरे तुझे तो एपी का नाम लेना चाहिए. बड़ी बहन से नहीं, बड़ी बहन से भी कर दे. मतलब सबका थोड़ा थोड़ा अंश है मेरे. वो मिल सेट पे, वो मिल तो सही सेट पे. अरे कौन है भाई? बस जो लिखा होता है अगर आप उसको बदलना रखना चाहते जैसे बात सुनना है. मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, मेरी भी आवाज़ ठीक है ना सर? दादू ऐसे रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, आप हमारे दादू लगते हैं. नहीं बेसिकली यार इट्स अ गुड कैरेक्टर. लॉट ऑफ टर्मोइल, लॉट ऑफ इमोशंस. आई थिंक इट्स वेरी गुड. सॉरी सॉरी बलखा. अच्छा तो पानी में नहला रही है, नहला दे तो क्या करना है क्या सर? तो इट्स अ गुड कैरेक्टर. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है. इज अ लविंग हस्बैंड, लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जिससे आप हंसेंगे भी रोएंगे भी, थोड़ा बहुत ही हंसाएंगे रुलाएंगे. ये भी सब लोग वही करते हैं. वो पता है ना टेलीविजन में हीरो को इधर भगाओ उधर भगाओ, ये करो वो करो. लास्ट शो में दो हीरोइन थी, वहाँ पर भी दो हीरोइन. देखते हैं क्या होता है. Good for you, but if you think I'm a villain, I think it's a big compliment, yaar, because anti-hero is also a hero. Yeah. Sorry? Why I chose Dangal? They make him a lot of money, yaar. Shut up, yaar. Why not? My question to you is why not, yaar? You know, I think हम थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. हम इन जनरल बोलूँ, यू आर हियर टू एक्ट राइट, एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू. इफ यू कैन रिलेट टू अ कैरेक्टर, अगर आपको किरदार पसंद आए तब वो देखिए. अगर ये सब देखने लगेंगे, पेचेक देखने लगेंगे, जो नहीं है मेरे केस में, बता मत मेरा कुछ मत बोल. And brother, you've seen the promo. It is. I've worked with other channels as well. Promo में आपको लगा होगा कि मेरी acting वैसी ही है. Quality अच्छी है. The cinematographer is fantastic. Yes. The director is a popular Raviraj director. Sir, yes. Raviraj sir. Raviraj sir was here. Yeah. And also, Khwaja sir. He's done all. Khwaja sir. All big shows here. Doris has done hit shows. Yes. It's a मतलब वो कहते हैं ना ingredient for being a hit. So that's why we are here. सबसे बड़ा चैनल है दंगल इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ टीवीआर, इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड. वी आर नंबर वन सिंस 56 वीक्स. So that is why Dangal. What is the meaning of Dangal? Dangal, Kushti. Fighters, we are fighters. Dangal to Aamir Khan ki bhi film. Yes, Dangal. Ah, Dangal to Aamir Khan ki bhi film. It's a Dangal of colors, QTV star, it's a Dangal. तो आजकल अलग नाम रखो ना, उसमें मजा, उसमें फ्लेवर निकलता है. तो आई फील व्हाट शी सेड इज एब्सोल्युटली राइट. ऐसा नहीं है कि नंबर वन चैनल है इसलिए मैं जुड़ा हूँ.
for me, for I'm pretty sure the rest of the cast also, it is that these guys are really working hard. Look at her, she's standing on her feet over there. कुर्सी पे नहीं बैठी, she's been on her feet. चैनल में इतने लोग ऐसे मिल जाए भाई, हर चैनल अच्छा करेगा. तो हमें भी एक सोफेस्टिकेटेड करण नजर आता है, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके अंदर एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा सेट पर मस्ती करता है. और फिर मैंने बरखा से भी पूछा, तो बरखा का भी ऑलमोस्ट सेम ही रिप्लाई था. तो ये जो ड्यूअल फेस है जो हम नहीं देख पाते हैं और सेट पर आपके कोस्टार्स देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. तो बेसिकली मैं आराधना का बच्चा जो सरोगेसी की बात कर रहा अरे नहीं यार, अब ये लोग बोलते तो इनसे पूछना यार, मैं तो आई एम माय सेल्फ, यू नो, मेरे अंदर अगर बच्चा है बड़ा है आई डोंट नो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर माय सेल्फ. इसके लिए आपको मेरा क्या रिएक्शन हुआ, आई थिंक I'll tell you what, I have failed a million times. मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने editing से शुरुआत की थी, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप खुद कुछ करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, तो आप edit गलत कर सकते हो, lineup गलत कर. तो मुझे 2000 की नौकरी दी गई थी और मेरा काम था lineup करना, तो उसमें I messed up very badly. तो Mr. विपुल अमृतलाल शाह, सो उनकी ही पिक्चर का हो रहा था वक्त आई थी, तो ही लाइक समथिंग से कि तूने ये सीन अलग क्यों कर दिया. बोले नहीं सर सॉरी गलती होगी. बोले गलती नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में गलती नहीं होती, इट इज अ टेक दैट यू हैव विच आई लाइक. तो ये सही हुआ मेरे लिए, किसी और के लिए शायद गलत हो जाए. सो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. आई थिंक इन माई करियर, आई थिंक करियर की बात करो या एक्टिंग की बात करो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आया और एक ही टेक में उतर गया. ठीक है, I'm still learning. I sometimes I fumble because I'm scared of Sudha ji a lot. Not scared of her, I respect her a lot. थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. तो सिर्फ वही है. आई आजकल वन टेक ना करो तो प्रोड्यूसर आपको साइन नहीं करता. ये भी है. So I'm not scared of failures. ठीक है, but I am sure अगर मेरी conviction सही रही as a performer तो Of course, he'll be accepted, and he'll be accepted with a lot of respect and love.